आज हम बनाएंगे स्टफ पेपे। तो चलिए इसको झटपट बनाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे मेरी जो भी वीडियो आए आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और प्लीज मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने अगर रेसिपी घर पे रेडी की है तो ये कैसे बने, आपको खाने में कैसे लगे और ये परफेक्ट बने या नहीं बने। स्टफ पेपे बनाने के लिए मैंने लिए बारीक वाली सूजी, आधी कटोरी दही, 3 आलू बॉईल किए हुए हैं ये, चिली फ्लेक्स, नमक, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, राई, पिसा हुआ धनिया, 1 पैकेट इनो और कटी हुई हरी मिर्च। सबसे पहले हम आलू का स्टफ रेडी करेंगे। मैंने जो बॉईल किए आलू लिए थे उसको अच्छे से हाथों से फोल्ड लिया है। अब इसको हम छौकेंगे। गैस पे पैन रख के इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे हम, इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से। तेल गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम राई के दाने डालेंगे। ये अच्छे से भुन गए हैं, अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आलू डाल देंगे, आलू को अच्छे से हम मैश कर लेंगे। इसे ज्यादा मोटा मोटा हमें नहीं रखना है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, धनिया पाउडर डालेंगे, ये मैंने सब 1 टेबल स्पून ही डाली है, छोटी मेरी स्पून है ये। नमक डालेंगे, आप नमक अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये कम ही डालूंगी मैं, अगर आप ज्यादा चटपटा खाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल लें। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आलू में मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गई थी। इसमें टेस्ट अच्छा सा आता है बहुत। इसको डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आलू का स्टफ बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपना बैटर रेडी करते हैं। इसका बैटर रेडी करने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें जो 1 कटोरी सूजी ली थी मैंने वो डाल देंगे, दही डाल देंगे इसमें हम, नमक डाल देंगे, नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा जैसा आपको पसंद हो, और इसमें मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम बैटर रेडी करेंगे। इसका बैटर हमें ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा रखना है, मीडियम ही रखना है। देखिए, हमें इस तरह का एक स्मूथ बैटर रेडी करना है, ये ज्यादा पतला भी नहीं हो, गाढ़ा भी नहीं है। अब थोड़ी देर सूजी को हम फूलने देते हैं। अब गैस को ऑन करके इसमें हम एपे पैन रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे इसमें हम, पैन में हमने ऑयल लगा लिया है, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब सब में थोड़े थोड़े हम राई के दाने डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे,
अब इसमें हम एक एक चम्मच अपना बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हम इसमें अपने आलू के जो हमने बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे। अब फिर से हम थोड़ी थोड़ी सूजी ऊपर से डाल देंगे इसमें। बैटर अच्छे से हमने इसमें फिल कर दिया है। अब ऊपर से इसका ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा के देखेंगे। देखिए अच्छे से फूल गए हैं ये। अब इन सबको हम पलट लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम सारे पलट लेंगे और फिर से इसको ढक के रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा के देखेंगे। देखिए अच्छे से बन गए हैं ये। इसको अच्छे से हम अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। एप्पे बन के रेडी है। इसी तरह से हम सारे एप्पे बना लेंगे। अंदर से भी ये बहुत अच्छे से बन गए होंगे। देखिए कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे से बन गया है ये अंदर से। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बताइए कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसी लगी, और आपके घर पे ही आपने बनाए तो कैसे बने ये।